डॉक्टर और अस्पतालों की लूट। किसी देश का स्वस्थ समाज ही उसे समृद्ध बनाता है, इसलिए देश की उन्नति और तरक्की की बुनियाद उसके स्वास्थ्य तंत्र के मजबूती से आकी जाती है। लेकिन भारत के आधी से अधिक आबादी के लिए साधारण बीमारी की कहर निराश और हताश पैदा करने वाली होती है। इलाज ना हो तो मौत, इलाज हो तो खर्च के बोझ से मौत। इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक लिखी है वो 540 रुपए का एक पत्ता है, वहीं साल्ट किसी दूसरी कंपनी का 150 रुपए का है और जेनेरिक 45 रुपए का है, पर केमिस्ट आपको मना कर देता है, नहीं जेनेरिक हम रखते ही नहीं, दूसरी कंपनी की देंगे नहीं, वही देंगे जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, यानी 540 रुपए वाली। आप क्या करेंगे? टाइफाइड हो गया है, डॉक्टर ने लिख दिया कुल 14 मोनोसेफ लगेंगे, होलसेल दाम 25 रुपए, अस्पताल का केमिस्ट आपको 53 रुपए में देता है। आप क्या करेंगे? किडनी फेल हो गई है, हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है, डायलिसिस के बाद एक इंजेक्शन लगता है, एमआरपी शायद 1800 रुपए है, इंजेक्शन का असली कीमत 500 रुपए है, पर डॉक्टर अपने अस्पताल में एमआरपी पे यानी 1800 रुपए में देता है। आप क्या करेंगे? हार्ट अटैक हो गया है, डॉक्टर कहता है कि स्ट्रेप्टोकिनेस इंजेक्शन लेके आओ, 9000 रुपए का, इंजेक्शन की असली कीमत 700 रुपए से 900 के बीच है, पर उस पे एमआरपी 9000 रुपए का है। आप क्या करेंगे? आप सोचते हैं कि बाजार से होलसेल मार्केट से ले लेता हूं, पूरा हिंदुस्तान आप खोज मारते हैं कहीं नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को सप्लाई देती है। बाजार में अल्ट्रासाउंड टेस्ट 750 रुपए में होता है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी में 240 रुपए में यह टेस्ट होता है, 750 रुपए में डॉक्टर का कमीशन 300 रुपए होता है, एमआरआई में डॉक्टर का कमीशन 2000 रुपए से 3000 रुपए के बीच होता है। डॉक्टर और अस्पताल की ये लूट, ये नंगा नाच बेधड़क बेखौफ देश में चल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि उसने देश को सीधे सीधे बंधक बना रखा है। डॉक्टर्स और दवा कंपनियां मिली हुई हैं, दोनों मिलकर सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि संविधान, सरकार, नौकरीशाही और सर्वोच्च न्यायालय सबके सब इस सत्य को जानते हैं, लेकिन इस अवसरवादी, अमानवीय और अन्याय युक्त कृत को रोकने का आदेश नहीं किया है। मेडिकल लॉबी की दादागिरी कैसे रुकेगी? इस लॉबी पे सरकार क्यों लगाम नहीं लगा पा रही है? यदि सरकार लगाम नहीं लगाती है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय क्यों आदेश नहीं करता तय भाड़े से 10 से 20 रुपए अधिक मांगने पर ऑटो रिक्शा वाले को तो पकड़कर कानून की चौराहे पर फेंक दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब का क्या करेंगे?